तो जैसा कि आज आप सब देख सकते हैं, पहली बार डाउ जोन्स 35,000 के ऊपर अपना हाई फॉर्म कर चुका है, जबकि S&P 500 इवन अपना रिकॉर्ड लेवल्स पे यहाँ पे कायम है। यहाँ पे नैस्टैक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन इन सब के बावजूद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो करंट फ्यूचर लेवल है, इसमें एक रिकॉर्ड रैली अभी भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। करंटली बैंक निफ्टी अपने फ्यूचर लेवल्स में अराउंड 33,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसे देखते हुए कल आपको निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं उन चार स्टॉक्स को जिसमें कल आप अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है यह है यूपीएल लिमिटेड, जिसमें आज एक रिकॉर्ड रैली की वजह से हमें यहाँ पे नया एक 52 वीक हाई यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कल अगर स्टॉक इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसमें एक फ्रेश एंट्री आप लॉन्ग ट्रेड के तौर पर लेना कंसिडर कर सकते हैं। उस केस में अगर यहाँ पे यूपीएल अराउंड 675 के ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो इसमें आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और आपको 681 और 684 तक के लेवल्स यहाँ पे टारगेट के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एज ए स्टॉप लॉस हमें 5 मिनट के कैंडल पे अराउंड 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और क्योंकि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है तो आपको टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट्स भी यहाँ पे बुक करने होंगे। इसके लिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक के ऊपर जो है मदर्स एंड सुमी, तो यहाँ पे हमें आज एक बुलिश ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी क्योंकि ये स्टॉक में ये जो रैली आया है वो Q4 रिजल्ट से आया है, रिजल्ट से पहले आया है, तो हम इसका एक फायदा उठाते हुए कल यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लॉन्ग साइड में लेना कंसीडर कर सकते हैं। इन केस स्टॉक अगर 230 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और 235 के लेवल्स पे यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री आपको लेने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस केस में 238 और 240 तक के लेवल्स आपको बाय साइड में एज ए टारगेट के तौर पर देखने को मिल सकता है, और क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्कैल्प ट्रेडिंग करना है तो आप 2-5 मिनट के कैंडल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे, और इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी प्लेस करना है, तो आप अराउंड 232 और इवन 233 के ऊपर अपना स्टॉप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तीसरे स्टॉक के ऊपर जो है कोल इंडिया, तो यहाँ पे एक बुलिश चैनल में एक ब्रेकआउट आने की वजह से स्टॉक में एक रिकॉर्ड रैली आज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कल इवन अगर आपको स्टॉक फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे तो इसमें एक लॉन्ग ट्रेड आगे आपको लेने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस केस में अगर आपको इस स्टॉक में 148 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाई दे तो आप अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और आपको अराउंड 150 और 152 तक के लेवल्स एज ए टारगेट के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करना है। एज ए स्टॉप लॉस आप 146 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद आखिरी स्टॉक के ऊपर अगर हम बात करें तो यह है टाटा पावर, जो कि आज अराउंड 7% के रिकॉर्ड रैली की वजह से इसमें हमें एक बुलिश चैनल में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्टॉक में ये रैली रिजल्ट से पहले आया है, तो कल आप इसमें एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं और वो भी बाय साइड में, तो आपको अराउंड 110 के लेवल्स पे इसमें एक एंट्री लेने का मौका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कल आप 110 के एंट्री पे अराउंड 112 के एक लेवल्स को यहाँ पे एज ए टारगेट के तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इवन टारगेट अचीव होने पे आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी ट्रेड करना चाहिए। इन सब के बाद अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ पे निफ्टी हमें डेली कैंडल्स पे यहाँ पे डे बाय डे यहाँ पे हायर हाई फॉर्म करता हुआ देखने को मिलता है। तो इन केस अगर कल ये 14,900 को यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसमें एक फर्दर बाइंग आ सकती है, और आप यहाँ पे 14,950 के ऊपर इसमें फ्यूचर साइड में एक लॉन्ग ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं, और आपको अराउंड 15,000 और 15,025 तक के लेवल्स यहाँ पे बाई साइड में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे 14,900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो आप 950 क्रॉस होने पे 14,900 और 14,800 के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और ऑप्शंस बायर यहाँ पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे कल 14,950 ब्रीच होने पे वीकली बेसिस पे 14,800 और 14,900 के कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे सेल बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से हमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिला है। यहाँ पे रिकॉर्ड लो से यहाँ पे इतनी बड़ी जो बाइंग आई है, इसे देखते हुए अगर कल ये 33,000 के लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता है, और उस केस में आप 33,150 के ऊपर इसमें फ्यूचर साइड में एक लॉन्ग ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं।
उस केस में आपको अप टू 33,250 तक के लेवल्स यहाँ पे टारगेट के तौर पे देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पे 33,200 ब्रीच होने पे 33,000 और 33,100 के पुट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे 33,250 के ब्रीच होने पे आप 33,200 और 33,300 के कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 मिनट के कैंडल को फॉलो करना है, जिससे आप टाइमली अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे बुक कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल को भी मेंटेन रखना है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ अपने रिस्क को भी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही टाइमली अपडेट्स सबसे पहले आगे भी लाते रहेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे अभी आप फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी रियल टाइम मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। मेंबरशिप प्लान अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहां पे आपको मॉडल पोर्टफोलियो के साथ स्विंग पोजिशनल और मल्टीबैगर ट्रेड्स की डिटेल प्रोवाइड किए जाते हैं।